ओके दोस्तों, फाइनली फिर एक बार हमारे मेन इवेंट जो है उसे होने हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चिप हमारे ओटीसी ट्राइबल चिप प्रोमो रेस को फिर एक बार एक्नॉलेज किया है। लेकिन हाँ दोस्तों, सबसे पहले की स्टार्टिंग कर लेते हैं मैथ देव एके बड़ी मर्फी के साथ। दोस्तों हमारे बड़ी मर्फी ने हमारे मामिरे रिप्ले को क्या कहा है वो सुनने के बाद आप हैरानी हो जाओगे। दोस्तों बड़ी मर्फी हमारे मामिरे रिप्ले को देखो क्या कहते हैं, रियरी प्लीज द बेस्ट डॉग मामी इन द वर्ल्ड। यानी दोस्तों बड़ी मर्फी का यहाँ पर ऐसा साफ साफ कहना है कि हमारे मामिरे रिप्ले को डॉग काफी पसंद है, उनको पालना काफी पसंद है, रियरी रिप्ले उन डॉग्स की काफी अच्छी देखभाल भी करती है। और जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हो कि इस डॉग ने भी इस फोटो में कैसी पोज दी है, जैसे महाराजा बैठा है। जरा दोस्तों उस डॉग के गले में देखो सोने की चेन है, फुल दोस्तों रियर रिप्ले के डॉग के मजे के मजे है। दोस्तों डेक्सन लुबिल का काफी खतरनाक और हार्ड फोटो सामने निकल के आ चुका है, जिसमें हमारे डेक्सन लुबिल पूरी तरह से कितने फाड़ू देख रहे हैं। मतलब दोस्तों डेक्सन लुबिल पहले से तो काफी अच्छे दिख रहे इस फोटो में। अब चले दोस्तों प्रियंका बेलर के चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों का ये कहना होगा कि प्रियंका बेलर की जो चोटी है फेक है, क्या इंजुरी देने वाली है। अब दोस्तों जिन लोगों को ये चोटी फेक लगती है, जरा बेकी लिंच का पेट के ऊपर का घाव देखे और शशा बैंक का भी घाव देखिए, दोनों वुमेन्स रेसलर को इतना खतरनाक घाव सिर्फ प्रियंका बेलर की चोटी नहीं दे, तो आइंदा प्रियंका बेलर की चोटी को फेक मत कहना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फोटो के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि इस फोटो में देख ही सकते हो कि आपको क्या पसंद है, कि जॉनसन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना पसंद है, या फिर दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतकर जो कि जॉनसन ने अपने करियर में कभी भी नहीं जीती वो जीतकर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना पसंद है। दोस्तों आप भी मुझे बताना कि आपके थॉट्स आगे WWE वालों ने क्या करना चाहिए, जॉनसन को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनवाना चाहिए या फिर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनवाना चाहिए। चलिए दोस्तों आपको काफी मस्त फोटो देखा देता हूं। तो दोस्तों रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर बैड बनी का और रोमरेस का फोटो काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि मेरे घर की अभी लाइट जा चुकी है। अब जो दोस्तों आप माइक की वॉइस सुन रहे हो मेरे सेकेंडरी माइक की, तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट करना। नेक्स्ट अब चलिए दोस्तों बॉबी लैशली के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉबी लैशली का यह कहना है कि हमारे शेमस जब रिंग में होते हैं तो काफी टफेस्ट रेसलर होते हैं। दोस्तों आप ही मुझे बताना कि WWE वाले शेमस को इतना पुश नहीं दे रहे जितना पहले दोस्तों देते थे। नेक्स्ट अब चलिए दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ रोमरेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ ने WWE की इंडस्ट्री में काफी खतरनाक रिकॉर्ड तैयार किया है। दोस्तों हमारे रोमरेस समर स्लैम में रिटर्न आने के बाद रोमरेस ने समर स्लैम के बाद पूरे WWE के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर 18 करोड़ से भी ज्यादा व्यू छापे हैं। और दोस्तों 18 करोड़ जो व्यू है वो सिर्फ समर स्लैम के बाद के नहीं है। अब दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हो कि रोमरेस WWE के लिए कितने इंपॉर्टेंट रेसलर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कल के मंडे नाइट रॉ का फुल प्रीव्यू जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल के मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करने वाली है हमारी मामिरे रिप्ली। इसके बाद दोस्तों कल के मंडे नाइट रॉ में हमको रैंडी ऑर्टन भी अपीयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों आप ही मुझे बताना कि ट्रिपल एच ने खुद ही कहा था कि रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में नहीं जाएगा, स्मैकडाउन को सुपरस्टार रॉ में नहीं जाएगा। दोस्तों आप ही मुझे बताना कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन से गंथर को रॉ में क्यों चैलेंज करने के लिए जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमको टैग टीम मैच देखने के लिए मिलने वाला है जो कि अल्फा एकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच में है। इसके बाद दोस्तों कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए 2 of 3 फॉल मैच देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि इस मैच में सैमी ज़ेन हारने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच भी होने वाला है। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमको कार्लिटो वर्सेस डेमिन प्रिस्ट भी मैच देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों हमारे फाइनल नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे जे उसो ने खुद रोमरेस को एक्नॉलेज किया। जैसे कि दोस्तों हमारे जे उसो रोमरेस के बारे में सबसे पहले कहते हैं कि रोमरेस जैसा आदमी नहीं है, रोमरेस एक ऐसा आदमी है जो कि डिफिकल्ट काम को भी इजीली आसान कर देता है। उसे खुद आगे जाकर ये कहते हैं कि मैं रोमरेस को सिर्फ देखता ही रहता हूँ, रोमरेस के अंदर जो कला है वो आर्ट है वो रोमरेस ने खुद ब खुद हासिल की है। अब दोस्तों हमारे जे उसो ने रोमरेस के बारे में इतनी तारीफ की है तो इन फ्यूचर दोस्तों हमारे मेन इवेंट जे उसो रोमरेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए इतने काफी, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।